तो आउटलुक के हमारे इस क्लास में आज हम बात करने जा रहे हैं मेल, जब भी कोई मेल कंपोज कैसे करेंगे। हमने अभी तक आपके साथ डिस्कस किया कि किस तरह से हम मेल को कन्फिगर करेंगे और किस तरह से कई सारे मेल आईडी को यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं और किस तरह से हम अपने मेल्स को यहाँ से हैंडल कर सकते हैं, राइट। अब हम न्यू मेल पे चलते हैं और न्यू मेल पे क्लिक करते हैं। जब कोई मेल आपको भेजना होगा तो कैसे भेजेंगे, तो सबसे पहले आपको न्यू मेल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा जिसमें फ्रॉम आईडी आएगा आपका। यहाँ पे आप फ्रॉम का चूज कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास तीन ईमेल आईडी डली हुई है तो मैं तीनों में से कोई चूज कर सकता हूँ कि किसके थ्रू मुझे भेजना है, राइट। क्योंकि मेरे इस आउटलुक में तीन अकाउंट है ना जी, तो डिफॉल्ट आपका हमारा 123 आ रहा है, ठीक है। आप चाहते हैं कि नहीं डिफॉल्ट में कुछ और है, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अकाउंट सेटिंग में और यहां से जिसको डिफॉल्ट करना चाहते हैं सेलेक्ट करके आपको वहां पे उसको सेट डिफॉल्ट करना पड़ेगा, सेट डिफॉल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्या फायदा होता है सर सेट एज डिफॉल्ट करने से? तो आपको बार बार चेंज ना करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपने तीन मेल आई रख दी, अब जैसे मेरा आउटलुक जो है ना ये मेरा ऑफिशियल है और मैं मोस्टली आईडी ऑफिशियल करता हूँ, तो मुझे बार बार चेंज करना पड़ेगा ना सर, ठीक है। उसके बाद टू यहाँ पे डाल सकते हैं, सीसी यहाँ पे डाल सकते हैं। अब टू में दो चीजें हैं, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके जो मेल आईडीज हैं वो लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ से। देखिए इंसर्ट पे आप जाते हैं तो यहाँ पे आपके सामने, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं बोला था कि आपके इस पे कैसे आएगा, मतलब कि टू पे जब क्लिक कीजिएगा ना तो आपका एड्रेस बुक खुल के आ जाएगा। ओके, एड्रेस बुक जैसे कि आप, मेरे पास तो ईमेल आईडी सेव नहीं है, लेकिन आपने अपनी ईमेल आईडी को सेव कर रखा होगा, उसकी जो एड्रेस बुक है वो एड्रेस बुक आपको यहाँ पे शो कर जाएगा, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा जब इस पर टाइप करेंगे तो रिसेंट भेजी गई जो ईमेल आईडी है जिसकी मेमोरी में सेव होता है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सेम उसी तरह सीसी भी होती है और सेम आपका सब्जेक्ट भी होता है। अब जैसे मुझे ईमेल आईडी लिखना है, मैं अपनी ईमेल आईडी रख दिया, इसमें दो ईमेल आईडी चाहिए आपको, तो यहाँ पे दो ईमेल आईडी लगाते जाए सेमी कॉलन के साथ। ये बाय डिफॉल्ट सेमी कॉलन अपने आप लग गया है ना, लेकिन आप अगर नहीं लगा तो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया kumar@iptindia.com, ऐसे आप कई सारी ईमेल आईडी लिख सकते हैं। इसकी मैक्सिमम लिमिट 500 होती है, अच्छा, ठीक है। सेम सीसी में कर सकते हैं कि सीसी में कोई ईमेल आईडी रखे, तो सीसी क्यों किया जाता है, सीसी में क्यों लगा जाता है, मान लीजिए ना कि आपने किसी को मेल किया, राइट, एक प्रॉब्लम था, एक प्रॉब्लम, मान लीजिए सैलरी आपकी होल्ड हो गई है, राइट। अब सैलरी होल्ड हो जाने के कारण आप जो है 10 दिन ऑफिस नहीं आएंगे। अब ये बात आपको अपने अकाउंट टीम को बोलना है, पेरोल टीम को, लेकिन आपने पेरोल टीम को बोला हुआ है ये बात आपको अपने बॉस को भी बतानी है, बट बॉस तो सैलरी देखते नहीं है। अगर बॉस को बोलोगे बॉस मेरी सैलरी नहीं आई है, तो वो तो कुछ कर सकते हैं क्योंकि सैलरी का काम तो अकाउंट डिपार्टमेंट का है ना। लेकिन आपने अकाउंट डिपार्टमेंट को अपनी क्यूरी भेजी हुई है, ये बात आपको बॉस को बतानी है, तो बॉस को सीसी में रख दीजिए। इसमें एक आता है बीसीसी, ठीक है, बीसीसी भी होता है क्या, बीसीसी बाउंस, जी बीसीसी। अब बीसीसी किसके लिए यूज की जाती है, बीसीसी बीसीसी क्यों नहीं आ रहा है, इसमें इसमें बीसीसी दिखा नहीं रहा, उसमें दिखाता है एक मिनट रुक जाइए, इसी आसपास में ले आता है, अटैच चेक नेम नहीं, बीसीसी में साइड में आ जाता था, इंसर्ट में आना चाहिए, सिग्नेचर अटैच फाइल टेबल, यहाँ पे देखें बिजनेस कार्ड लिंक आउटलुक,
बीसीसीआई ने हटा दिया केस ऑप्शन, ये नया मेरा ऑफिस 2021 है ना, इसलिए थोड़ा सा ऐसे सिग्नेचर अटैचमेंट नहीं दे। हाँ ये रहा बीसीसीआई, ठीक है, तो बीसीसीआई यहाँ आप डाल सकते हैं। तो बीसीसीआई का यूज कब होता है, जैसे मान लीजिए कि मुझे 500 लोगों को मेल करनी है, मान लीजिए ऑफिस का इवेंट है, आप 500 लोगों को मेल कर रहे हैं, ठीक है मैम, अब 500 लोगों को जो मेल कर रहे हैं, आपको उसमें आपके बॉस की ईमेल भी आईडी भी है, आपके क्लाइंट की ईमेल आईडी भी है ना। अब आप नहीं चाहते कि मेरे बॉस की आईडी कोई भी सार्वजनिक हो, क्योंकि ईमेल आईडी जो कॉन्टेक्ट आईडी ऑफिशियल आईडी होती है तो पब्लिकली शेयर नहीं की जा सकती ना। तो मान लीजिए कि एक आप लीजिए अकाउंट टीम को ऑपरेशन टीम का बॉस का ईमेल आईडी पता नहीं होना चाहिए, या पता नहीं लगना चाहिए, या आपके जरिए पता नहीं लगना चाहिए, राइट। तो आप अपनी जो ईमेल आईडी जो है बाउंस बैक डालेंगे वो कोई भी नहीं देख पाएगा, अगर मेल अगर प्रोवाइड उसके पास मेल जाएगा तो टू और सीसी उसको विजुअल होगा, बीसीसी जो है वो विजुअल नहीं होगा, ठीक है मैम। ठीक उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट वगैरह यहाँ पे लगा सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, उसके बाद यहाँ पे अपने ईमेल जो लिखना है लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसकी जो ईमेल आईडी आपने लिखा है, इसकी एक फॉर्मेटिक है जो बिल्कुल एमएस वर्ड की तरह होती है, जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, लाइन, बैकग्राउंड कलर, कलर शेड, बुलेट्स, जो आपने एमएस वर्ड में किया था ना, सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हैं, बिल्कुल एमएस वर्ड की तरह, राइट। ठीक है उसके अलावा यहाँ पे अपना फॉन्ट चेंज करते हैं, साइज और फॉर्मेटिंग यहाँ भी है, जो फॉर्मेटिंग राइट क्लिक आया है ना, सेम फॉर्मेटिंग यहाँ भी है, हाँ और ये सारी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आता है एड्रेस बुक, आप एड्रेस बुक यहाँ से खोल सकते हैं, फिर आता है अच्छा ए, जैसे कि यहाँ पे चेक लगा हुआ है ना, कोई ईमेल आईडी आपने लिखा है लेकिन वो ईमेल आईडी को करेक्ट नहीं माना है, क्योंकि आपने ईमेल आईडी टाइप कर दिया उससे वो कंसीडर नहीं करता है जब तक कि वो इस तरह से अंडरलाइन नहीं हो जाए, तो अंडरलाइन नहीं हो रहा है तो इस पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद अटैचमेंट आती है कि फाइल को अटैच कर सकते हो यहाँ से, यहाँ से जो रिसेंटली आपने यूज की गई फाइल है, जो रिसेंटली आइटम है वो आपको आएगा, उसके अलावा आप यहाँ से अटैच कर सकते हैं अपना आइटम, जैसे बिजनेस कार्ड, कैलेंडर, आउटलुक आइटम, या फिर आप यहाँ इंटरनेट से जैसे कि वेब लोकेशन है, जैसे आपके पास वन ड्राइव वगैरह होता है वहाँ से उठा सकते हैं, या फिर आप ब्राउज कर सकते हैं पीसी से, अपनी कोई भी अटैचमेंट पीसी से ले सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। ठीक उसके बाद लिंक, जैसे कि आप चाहते हैं कि ये इस पे हाइपरलिंक बन जाए, क्लिक करते कोई कोई आर्टिकल, कोई पेज या कुछ ऐसा खुल जाए, तो लिंक पे क्लिक करके यहाँ अपना इस पे लिंक कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर वेबसाइट, कोई फाइल, कोई सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए, लिंक कर सकते हैं आप, ठीक है, ब्लू कलर हो जाएगा, अपने आप लिंक हो जाएगा वहां से। उसके बाद है सिग्नेचर, अब सिग्नेचर यहाँ से ऐड कर सकते हैं, अगर आपने सिग्नेचर क्रिएट किया हुआ है तो, अगर नहीं क्रिएट किया हुआ है तो आप क्लिक करते ही आपको यहाँ पे क्रिएट करने का ऑप्शन देगा, जैसे कि मैंने यहाँ क्रिएट कर रखा है, देख रहे हैं सर, SS नाम से, ओके। तो अच्छा मैं यहाँ पे जैसे ही गलत खुल गया, यहाँ सिग्नेचर क्लिक कर दूंगा तो मेरा सिग्नेचर आ जाएगा, जो होता है सिग्नेचर सो आता है। जी, उसके बाद ये आपके पास आता है तो ये आपको ये लिख के आया थैंक्स इन रिगार्ड सुदीप कुमार करके, हाँ, जस्ट यही पोर्शन सिग्नेचर में आएगा। सिग्नेचर जो आप जो डालेंगे, आपने यहाँ पे सिग्नेचर पे क्लिक किया ना, अब मैं यहाँ पे न्यू पे करना चाहता हूँ, ठीक है, न्यू पे मान लीजिए कि हाँ मैं यहाँ पे SK के नाम से हमने बना लिया, ठीक है,
ब्लैंक हो गया। अब इसमें आप जो लिखना चाहते हैं, दिख रहा है ना आपके सामने, जो लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, पिक्चर वगैरह, लिंक, हाइपर लिंक वगैरह सब यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, थोड़ा स्पेस मारता हूँ, क्या करता हूँ, थैंक्स एंड रिगार्ड, ठीक है। और इसके बाद इसमें मैं सुजीत कुमार डाल देता हूँ, सुजीत कुमार नंबर डाल देता हूँ, +91880257938, वेबसाइट डाल देता हूँ www.iptindia.com। और इसके ऊपर हम ई इस पे क्लिक करते हैं, तो हाइपर लिंक भी लगा सकते हैं ताकि वो क्लिक करते खुल जाए। उसके बाद पिक्चर्स वगैरह डालना चाहते हो, कोई पिक्चर्स है आपके पास तो कोई पिक्चर भी आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। पिक्चर की साइज वगैरह यहाँ से अपने हिसाब से छोटा कर सकते हो कि पिक्चर कितना बड़ा साइज का है, ठीक है। तो माउस से इसे बल्क नहीं कर, ओके, देन ओके कर दीजिए। अब अगर सिग्नेचर में मान लीजिए मैंने ऐड कर लिया एसके, तो ये देखिए एसके का सिग्नेचर आया, ठीक है, क्लियर है मैम? ठीक ठीक समझ गया। इसके बाद होता है कि आपका इम्पोसिव होता है हाई इम्पोर्टेंट, मतलब कि आप अपना प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं मेल मेरा कैसा होना चाहिए। अगर हाई इम्पोर्टेंट कर देंगे या फिर कर देंगे लो इम्पोर्टेंट या फ्लैग कर देंगे, फॉलो अप कर देंगे कि फॉलो अप है, तो उसी तरह का आइकन बना हुआ उसके सिस्टम में, जब मेल जब उसको जाएगा उसी तरह से आएगा बना हुआ आइकन, ठीक है। जो उसको मेल हम करेंगे तो इस तरह फ्लैग लगा हुआ आएगा, अगर फॉलो अप होगा तो इम्पोर्टेंस और इम्पोर्टेंस का लगा हुआ, देखिए आएगा ना यहाँ पे लगा हुआ हाई पिंटर्स का रेड। ओके, इससे पता चलता है कि हमारा मेल हाई इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी का है कि हाई इम्पोर्टेंस मतलब कि जरूरत की मेल है, या किसी ने ये फॉलो अप कर दिया तो ये फॉलो अप की फॉलो अप मेल है, आपसे जस्ट फॉलो अप कर रहा है, ये लगाना जरूरी होता है ना? नहीं, जरूरी नहीं होता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपने हाई आपको आपको मैंने एक डेटा किसी चाहिए, अर्जेंट है डेटा आपको, ठीक है ना, आप उसको रिक्वेस्ट भेजो कि हाई इम्पोर्टेंस लगा दो, सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि उसको इम्पोर्टेंस है, अर्जेंट है, देखेगा नजर के सामने आता है। अब किसी को आप मान लीजिए मैंने बैंक को अप्लीकेशन दिया हुआ था, मैंने आपने एक ऑर्डर दिया हुआ है ऑनलाइन, ऑनलाइन प्रोसीजर जो हो रहा है आपने फॉलो अप करना है, तो आपने एक रिमाइंडर मेल डाल दिया। रिमाइंडर मेल में हाई इम्पोर्टेंस ही डाल सकते हैं, क्योंकि क्योंकि जो कुरियर चल चुका है तो थोड़ी बार कुरियर को क्या बोलते हैं उसको टेलीपोर्ट कर देंगे आपके सिस्टम आपके यहाँ, तो आपने उसको फॉलो अप कर दिया, उसको याद दिला दिया, तो फिर वो उसके ऊपर आगे वर्क कर लेगा, ठीक है। तो प्रायोरिटी होते हैं जब मेल ऑफिस में हम करते हैं, जब रिसीव होता है उसी हिसाब से हम वर्क करते हैं, ठीक है। अब यहाँ एक एडिटर आता है, एडिटर आने से क्या होता है कि आपका जो मेल है उससे रिलेटेड जो गलतियाँ हैं या कुछ नया डिजाइन है या स्पेलिंग चेक है वो उस पर देता है, राइट। फिर आता है डेडिकेटेड में कर देंगे, तो ये क्या करेगा आपकी वॉइस रिकॉग्निशन करना शुरू कर देगा। अब मेरा भी हिंदी सेट है इसलिए मैं जो भी कर रहा हूँ वो हिंदी में टाइप ही होते जा रहा है, ठीक है, तो मैं बोलते जा रहा हूँ और टाइप होते जा रहा है, और ये तकरीबन 85-90% एक्यूरेसी के साथ चलता है। अच्छा, अब 100% नहीं चलता है, जैसे कि आप यहाँ देखिए मैंने बोला 80-90%, 8-90% कर दिया, समझ गए। तो इस तरह से टाइपिंग की जा सकती है, एमएस वर्ड का फीचर है जो कि यहाँ भी वर्क करता है, तो अपने हिसाब से टाइप बोलते जाओगे टाइप होता जाएगा, बोलते जाएगा टाइप होता जाएगा। चलो ओके। अभी ये होगी आपकी, तो होम मेनू बार इस पे क्लियर हो गए। अब बात करते हैं इंसर्ट की, इंसर्ट में यहाँ फाइल अटैच कर सकते हैं, सिग्नेचर अटैच कर सकते हैं, टेबल, जैसे मान लो कोई लिस्ट आपको भेजना है तो आप जो है उसकी टेबल बना सकते हैं,
तो टेबल जैसे आपने एमएस वर्ड में बनाया था ना, उसी तरह से टेबल बना सकते हैं और इसके अंदर अपनी जो चीज़ें लिखना है लिख सकते हैं, बॉर्डर फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है जी। टेबल बताने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि टेबल तो आपने पढ़ा ही है एमएस वर्ड में। जी, टेबल तो आपने बता रखा है मुझे। टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स, स्टॉक इमेज वही है, सैप्स, आइकन, 3D मॉडल, स्मार्ट आर्ट वही, आप जो आपने वर्ड में किया हुआ है वही सेम चीज यहाँ पे सेम है यहाँ पर। ठीक है, उसके अलावा हम इंक्लूड कर सकते हैं बिजनेस कार्ड। बिजनेस कार्ड क्या होता है, जो आपका ये होता है ना, मतलब कि जो विजिटिंग कार्ड वगैरह आपने अगर बना रखा है तो उस तरह से आएगा, तो ये आपका जो भी अटैच ये होगा ना कॉन्टैक्ट सेव होगा उसको उसने बना देगा बिजनेस कार्ड में, बिजनेस कार्ड की तरह पूरा डिटेल, लेकिन पूरा ऐड होना चाहिए तब उसी तरह से आएगा। समझ गए? अब ये होगा कैसे, तो ये चीज़ें आपको जो है यहाँ पे मेल पे आती है, जैसे न्यू के जगह पे आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते ही ये पूरा दिख रहा है। आप किसी का अगर आप ईमेल आईडी सेव करते हो, मोबाइल में सेव करते हो ना किसी कॉन्टैक्ट, ऐसे यहाँ भी सेव की जा सकती है। जैसे कि मैं अपना ही सेव कर रहा हूँ, या मैं लिख रहा हूँ सुजीत कुमार सिंह, ठीक है, कंपनी है हमारा IPT एक्सल स्कूल, ठीक है, जॉब टाइटल है सीनियर ट्रेनर, फाइल है जे यहाँ पे दिख रहा है सुजीत कुमार सिंह, ईमेल आईडी मैंने यहाँ डाल दिया kumar@iptindia.com, ठीक है, डिस्प्ले जो होना चाहिए वो आ गया। वेब एड्रेस मेरे पास है www.iptindia.com, IM एड्रेस तो ठीक है, अदरवाइज बिजनेस नंबर आ जाते हैं यहाँ पे 8802579388 और 8826 होम एड्रेस में 8268028093। फैक्स है, मोबाइल नंबर है डाल सकते हैं, एड्रेस देना चाहते हैं दे सकते हैं। अच्छा, गरीबनाथ धाम जिसको मुजफ्फरपुर भी कहते हैं। हाँ, ठीक है, मैप पे देना चाहते हैं तो मैप भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, अपना पोस्टल कोड वगैरह, जिप कोड वगैरह, पोस्ट कोड, अच्छा मैप यहाँ पे आ जाएगा, जो आपको सिलेक्ट कर लीजिए जो सा आपको देना है, तो ये सब ये कर सकते हैं। ठीक है ना, वाला मैं इसको सिलेक्ट कर, ये सेट कैसे होगा यहाँ पे, तो डबल क्लिक करने में ओपन हो रहा है, इसके बाद में बात करते हैं इसमें, और इसके बाद इसको हम इसको सेव एंड क्लोज कर देते हैं, हो गया। अब मान लीजिए किसी ने बोला, किसी में आपके आपके बॉस ने बोला कि एक काम करो मुझे सुजीत का एड्रेस दे दो, मतलब सुजीत का कॉन्टेक्ट डिटेल दे दो, तो क्या लग रहा है, आप सिर्फ नाम लिख के भेज देंगे तो भी बोलेंगे यार नाम भेज दी आप, उसकी वेबसाइट ये नहीं है, ईमेल आईडी नहीं है, कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, तो चीज़ें मांग सकते हैं ना, और चीज़ें तो अगर आप उनको कंप्लीट डिटेल देना चाहते हैं तो सिंपल सा बिजनेस कार्ड में जाए, बिजनेस कार्ड, और यहाँ पे इंसर्ट बिजनेस कार्ड यहाँ पे क्लिक करें,
और यहाँ पे सुजीत कुमार सिंह दिख गया आपको, इसको ओके कर दो। तो इस अच्छा, तरह से इसमें बिजनेस जो का मतलब बिजनेस कार्ड जो है, इसमें अपने अलावा सबके नाम के कॉन्टैक्ट्स कर सकते हैं अपना अपना बिजनेस नाम भी के। लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो इस तरह से उसको पूरा डिटेल चला जाएगा, आपको टाइप करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी ना। बस वही है कि सेव करते समय आप इस तरह से रखना पड़ेगा आपको सेव करके, ठीक है। ठीक समझ गया बिजनेस कार्ड क्या होता है। कैलेंडर तो जैसे कैलेंडर, कैलेंडर दे सकते हो, आउटलुक का कोई आइटम है मैंने किसी ने, कैलेंडर 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 में कैसे आपको भेजेंगे? बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चार्ट्स वगैरह वही, बाकी वही चीजें हैं जो आपने वर्ड में पढ़ा हुआ है, अच्छा ठीक है। कैलेंडर आपको बताया नहीं क्योंकि अभी जो हम पढ़ रहे हैं न्यू मेल पढ़ रहे हैं ना। न्यू मेल के बाद फिर आपका अपॉइंटमेंट है, मीटिंग है, कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल है और यहाँ पे कैलेंडर है। तो भैया मेल वाले सेक्शन में है, कैलेंडर वाले सेक्शन में भी नहीं गया, ठीक। ठीक है। तो न्यू मेल में आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में आप थीम्स कलर वगैरह, पेज कलर वगैरह यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। बीसीसी वगैरह भी यहाँ पे यहीं पे आता है। यूज वोटिंग बटन्स क्या है सर? हाँ, ये आपका इसके लिए होता है, जैसे कि आप इसका यूज होता है मीटिंग्स वगैरह जब यूज करते हैं ना, मीटिंग्स जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा इसको। जैसे कि हाँ आपने सर, कुछ आपका कुछ आपने मीटिंग मान में ये लीजिए ना, मीटिंग आपने आपने क्या किया कि आपने बोला कि क्या, यहाँ पे लिखते हैं कि कैन आई सेल आवर सर्विसेज ऑन दिस पर्सन। आपने एक सवाल, एक अप्रूवल मांगा, राइट, समझे, हाँ अप्रूवल मांगा। तो अब बॉस उस पे यस नो लिख के भेजेंगे ना, आप यहाँ पे यस एंड नो का एक वोटिंग बटन आपने ऐड कर दिया, ठीक है, हाँ और आपने भेज दिया अपने बॉस को। अच्छा, वो सिर्फ उस पर क्लिक करके ऐड हो जाता है। देखिए देव कुमार सिंह बोला था, यहाँ पे IPT ठीक है। हमने इसको सेंड कर दिया, सेंड होने के बाद अब मेरे इनबॉक्स में कैसा आएगा दिखाता हूँ। मेल चली गई, एक बार सेव, एफ सेवन कर, सॉरी F9 होगा, आ गया नहीं, द टेस्ट ही हाँ है, द टेस्ट आया हुआ है। आपके APR लिखा था। से ये दिक्कत होता है, तुरंत नहीं आता, थोड़ा टाइम लेता है आने में। हाँ, इसमें ये दिक्कत है, इसमें जीमेल ईमेल में ये दिक्कत नहीं होती, फॉर्म नहीं आ जाता है मेल। तो इसमें जब बटन आएगा, इसमें यस नो होगा, यस पे क्लिक करेंगे ना तो वापस मेल भी चला जाएगा कि आउटलुक में पढ़ाएगा। अच्छा, ये आउटबॉक्स में पढ़ा था जिस कारण से मेल नहीं जा रहा है। आ जाएगा, ठीक है। मैम, तो यस एंड नो बटन होता है, इसमें बटन यूज करते हैं, समझे। उसको आता है डिले डिलीवरी, रिक्वेस्ट टू डिले डिलीवरी, मतलब समझे।
मतलब मुझे मेल तुरंत नहीं भेजना है, ओके डिले करते हैं। डिले करना नहीं, माफ कीजिएगा, इसमें है रिक्वेस्ट टू यहाँ पे डिलीवरी रिसिप्ट, डिलीवरी नीचे है यहाँ पे, डिलीवरी रिसिप्ट है, ठीक है। मतलब कि आपने मेल डिलीवर हो गया, वो आपके पास एक अलग मेल आएगा जिसमें रिसिप्ट होगा कि हाँ ये मेल उसके इनबॉक्स में डिलीवर हो गया, और जब वो रीड कर लेगा ना तो रीड आएगा आपके पास, ठीक है। अच्छा जैसे अभी आपने वोटिंग बटन का दिखाया नहीं मुझे, कैसे तो आया नहीं वोटिंग ऑप्शन? बटन पता नहीं, मेरा भी आया नहीं इसमें, तो हो सकती है, एक बार ट्राई करके देखेंगे, ठीक है ना। एक मैं दोबारा अच्छा करके देखता हूँ, आप जब बोल ही रहे हैं तो मैं दोबारा करके देखता हूँ। IPTIndia@outlook.com, और यहाँ पे मैं अप्रूव का ऑप्शन दे देता हूँ, और यहाँ पे हम दे देते हैं बटन यस एंड नो का, ठीक है, और हम इसको सेंड करते हैं। आ गया ना यहाँ पे, देखिए आ गया। जी आ गया। जब इसको ओपन करेंगे हम यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा ना यहाँ पे, ये क्या हो गया, बाय वोट क्लिकिंग वोट टू रिस्पॉन्स द ग्रुप अबाउट, इसमें ऑप्शन या बटन आ जाता था ना। ये बटन क्यों आ रहा है, प्रॉब्लम है, यही भी मैसेज आ जाता है, ठीक है ना। ये बटन कुछ प्रॉब्लम है इसमें, ये बटन नहीं दिख रहा है मुझे, तो ना बटन दिख जाता है, ये भी यस नो दिख जाता। हाँ यहाँ आ गया, डबल क्लिक करते हैं, यस आ गया ना, यस पे क्लिक कीजिए एंड ओके करें, मैसेज के पास चला जाएगा यस करके, ठीक है। बस इस पे क्लिक कीजिएगा, आ गया ना यस, आ गया ना यहाँ पे लिखा हुआ, हाँ तो अप्रूव हो गया, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल इसे आगे पढ़ेंगे, ठीक है।